तुझ नहीं ओ बाबा बाहें फैलाए हर घड़ी मुस्कुराते मना लो मन से मिलन उड़ चलो शांति। एक बाप का बनने वाले, रमणीक पढ़ाई पढ़ने वाले, विघ्नजीत शांत चित्त ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। उड़ो अब बिंदु बनकर। हम क्यों नहीं उड़ पाते? आज एक इक्वेशन पक्का करते हैं। देह का संबंध इक्वल्स बंधन इक्वल्स दुख। देही का संबंध इक्वल्स बंधन मुक्त इक्वल्स सुख। मिल गया फॉर्म्यूला? तो उड़ो अब बिंदु बनकर, रहो अब सदा नशे में, आ जाएगी हिम्मत माया पर जीत पाने की। बाबा आज हमें ऐसी मत देते हैं जिससे हम सदा हर्षित रहेंगे, यही तो चाहते हैं ना सब। अनादि वर्ल्ड ड्रामा के पॉइंट को यदि हम समझ लें तो बन जाएंगे हम वर्ल्ड के मालिक। इसके लिए हमें सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन कौन सी सरकार की? रूहानी सरकार की। ऑन गॉडली सर्विस 24/7 है तैयार सब करने के लिए। लिमिटेड सीट्स हैं, याद रहे। समय भी लिमिटेड है, लेकिन प्राप्ति अनलिमिटेड है। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2023। तो सुनते हैं क्या होने चाहिए योगियों के लक्षण। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। देह के संबंध माना हम रिश्ते जोड़ते हैं, ये मेरा माता पिता चाचा संबंधी मामा बेटा, तो इन संबंधों में इन रिश्तों में बंधन है, इसलिए ही दुख का अनुभव होता है। यदि हम सबको देही के संबंध से देखें माना आत्मा आत्मा भाई भाई, तो अथाह सुख मिल जाएगा। ये आत्मा मेरा भाई, एक पिता की हम संतान। तो बाबा कहते हैं इससे माता पिता की याद भी रहती है, अथाह सुख भी मिलता है और हम बंधन मुक्त भी हो जाते हैं। तो देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा, एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न है किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। देखो जो नशे में रहता है ना वो हर काम कर सकता है, कहता है मैं कर लूंगा, हिम्मत रहती है उसको। हम कौन से नशे में रहें? उत्तर में बाबा कहते नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। कौन है हमारा माता पिता? खुद भगवान। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो हिम्मतवान होने चाहिए, है ना। हम ही विजयी, हम ही हीरे जैसे, हम हैं भगवान की सर्विस पर, हम हैं भगवान के मददगार। तो ये सब बातें याद रहें तो हम सदा नशे में रहेंगे, हिम्मतवान रहेंगे, विजयी रहेंगे। गीत बजाओ।
शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक मात पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने मात पिता को आना है जरूर। भक्तों को विश्वास रहता है ना कि हम बुलाएंगे भगवान जरूर आएंगे। अब वह मात पिता कौन है यह तो बेचारे जानते ही नहीं, पुकारते हैं। इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि, यह है लौकिक बंधन। इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं, तभी तो कहते हैं ना आकर छुड़ाओ मुक्ति दो, माना कि बंधन में हैं। देह का सिमरण होने कारण बंधन बहुत हैं। देही के संबंध से एक ही मात पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध, आत्मा का संबंध और जिस्मानी रिश्तों में है बंधन। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे, क्योंकि सब आत्माभिमानी होते हैं ना। यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे हे मात पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसको पता नहीं है। तो यदि अब उन संबंधों को भी हम सेवा का संबंध समझें तो फिर अनुभव हमें बंधन का नहीं होगा, हम बंधन मुक्त रहेंगे। तो बाबा के बच्चे हैं, सेवा का संबंध है, अब तो रूहानी संबंध स्थापित करना है। तो बाबा कहते हैं अब समझ गए हो, पुकारते जरूर थे हे मात पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुखी देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं या किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे मात पिता को बुलाते हैं कि आ करके ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। मुरली मीठी मीठी लगती है ना, वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं हे परमपिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, शिव बाबा टू शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा लिखते हैं ना ऐसे। देखो माताएं क्या करती थी, तरबूज पे लिख देती थी कि टू शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा मधुबन पांडव भवन, ऐसे पहुंच जाता और ट्रेन में रख देती तो भी पहुंच गया। तो चिट्ठी कैसे लिखेंगे, कैसे एड्रेस लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सतगुरु उसको कहा जाता है, है ना। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, तो सतगुरु कौन है, शिव बाबा, वही दलाल है, खुद से मिलाते हैं। वह है सर्व का सदगति दाता, वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, पहले है परमपिता परमात्मा रचता,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं। देखो बाबा हर संबंध हमारे से हम अनुभव करें, उनसे संबंध का रस ले, ऐसा सिखाते हैं हमें, खेलते हैं, बहलाते हैं, समझाते हैं। तो मुख्य है तीन संबंध, बाप टीचर सतगुरु BTS, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। हम बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, मिलन मनाते हैं, अनुभव करते हैं, है ना, दूसरे तो ऐसे अनुभव नहीं कर सकते, कैसे जानेंगे। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वह कैसे समझ सकेंगे। अब जो ब्राह्मणों के संग में आएगा, हमारे साथ रहेगा, बाबा की बातें सुनेगा, उनको ही समझ में आएगा। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में हैं। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिबरेट करते हैं मनुष्यों को। लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं, तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, संबंध निभाना है, जिम्मेवारियां पूरी करनी है, लेकिन बुद्धि से सबसे तोड़ना है। एक बाबा से जोड़ो, सबसे तोड़ो, सबसे तोड़ो पहले, फिर बाबा से जोड़ो और फिर सबसे तोड़ निभाओ, ये है तरीका। तो बाबा कहते हैं देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो, जनक का भी मिसाल है ना, राज्यपाठ संभालते हुए बुद्धि से उपराम, वह फिर जाकर अनुजनक बना। तो राजा जनक ही फिर छोटा जनक बनते हैं, ज्ञान मिल जाता है ना, तो मर्जीवा जन्म, दूसरा जन्म। तो जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे, यही तो करना है ना, हमें भी सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस बनना है। तो इस संगम युग पे ज्ञान समझना है, बाबा के साथ रहना है, जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन बुद्धि सिर्फ एक बाप में लगी रहे। अपने घर का तो हरेक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है, बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना, क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है, सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो, बातें तो बड़ी सहज हैं, नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा ऐसी मत देते हैं जिससे हम सदा खुश रह सकते हैं। मात पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, यह तो सब जानते हैं, हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं। आत्मा परमात्मा प्रकृति,
इन तीनों को किसी ने नहीं रचा, लेकिन कैसे बाबा नया क्रिएट करते हैं ये हमें अब पता है। नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं, मात पिता तो जरूर हैं, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई, ब्रह्मा बेहद की माँ। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया है, बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना, यह मम्मा तो अडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए तो मात पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लिए तो मात पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ, देखो वन्नी भी है, युगल भी है, बच्चे भी हैं। प्रवेश कर अपनी वन्नी भी, मुझे बनाया और बच्चा भी बनाया, तो युगल भी बनाया और बच्चा भी बनाया। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की हैं, कोई और सुने तो बोले आप ही लोग कंफ्यूज हैं कि कौन क्या है, लेकिन कितनी रमणीक बातें हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, अगर सभी समझते हों तो फिर समझावे, अब समझ गए तो समझाओ, समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा। और बातें हम कैसे समझा देते हैं, सुना देते हैं, तो ज्ञान नहीं सुना समझा सकते हैं। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी झट बतला सकता है, इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में होना चाहिए, यह डबल संबंध है। डबल संबंध है, वहां तो सिंगल संबंध रहता है, पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ पे तो डबल संबंध, लौकिक भी निभाना है अलौकिक भी, पारलौकिक से भी है ना, तो बहुत संबंध है, बाबा से ही सारे संबंध अनुभव करने हैं, लेकिन पारलौकिक को याद करना है, लौकिक जिम्मेवारियां संभालते हुए डबल संबंध निभाना है। वहां तो सिंगल संबंध रहता है, सतयुग में तो पारलौकिक बाप को याद नहीं करते ना, यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं, पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, कहाँ कहाँ से मत नहीं ले रहे हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सबकी अलग अलग मत है, देखो पानी के लिए धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं, पानी धरती हवा सबका पार्टीशन कर दिया है, या हमारी हद में है या तुम्हारी हद में नहीं है, बिल्कुल ही हद में आ गए हैं, या भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे, जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं, भूलना भी जरूर है, क्यों भूलेंगे जरूर, क्या है भूलने का फायदा, तभी फिर बाप आकर समझाते हैं, हम भूले ही नहीं तो बाबा आए ही नहीं। इन बातों को अभी तुम जानते हो, वहां है बंधन, यहाँ मात पिता से संबंध है, जानते हो हम श्रीमत पर चल अथा सुख का वर्षा पा रहे हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, फिर श्राप कौन देते हैं, कैसे हम श्रापित हो जाते हैं, माया रावण, श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है, मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं, बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे, बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे, दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, कहते हैं लंका लूटी जाती है सोना ले आते हैं, अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है, कोई श्रीलंका में सोना है, सोने की तो खाने होती है ना, हम कैसे जाएंगे सोने की दुनिया में, पुरुषार्थ करते हैं तब जाते हैं, बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, जान गए इस ड्रामा को, सब एक्टर्स को जान गए, पहचान गए अपना पार्ट क्या करना है, पहचान गए डायरेक्शन पर चलते हैं, तो यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है, जो समझते नहीं न समझा सकते तो वह क्या पद पाएंगे, पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना,
जैसे यह मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो, कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। प्रजापद में खुश है। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर, तुम बच्चे हो ना, वह फादर फिर यह फादर, यहाँ फिर मदर भी है, नंबर वन फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए, ओ गॉडफादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए, और जास्ती कोई संबंध नहीं। जितने संबंध बढ़ाएंगे ना उतने दुखी होंगे। भाई बहन बस, और उन्हों का बाप दादा, भाई बहने तो बहुत हैं, बाप एक है, दादा भी एक है, दादा भी हाँ, बड़ा भाई भी, दादा भी, और बाप तो शिव बाबा है ही। एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है, तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना, सबकी जगह निश्चित है, अपनी अपनी जगह पे जाकर सब टिक जाएंगे, लटक जाएंगे। जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं, यहाँ है जीवन बंध, आत्माएं वहाँ से पहले पहले सुख में आती हैं, इसलिए पहले जीवन मुक्त होती हैं। कोई किसी भी समय में आए पूरे कल्प में, लेकिन पहला जन्म जीवन मुक्त अवस्था, और एक ही जन्म है तो पहले कुछ समय जीवन मुक्त अवस्था। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। देखो आज कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, हम हमेशा कहते हैं मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, और बाबा बेस्टेस्ट टीचर है। बाबा आज कहते हैं मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, तो अब इस टीचर से ही पढ़ना है, यही फेवरेट टीचर हो, हाँ, और किसी से भी पढ़ना सुनना सीखना नहीं है। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है, इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। कहते हैं ना सरकारी नौकरी कर लो निश्चिंत रहो, और रूहानी सरकार की नौकरी में लग जाए, सेवा में लग जाए, यहाँ पे हमको पद मिल जाए, सीट मिल जाए, और हम काम करने लगे तो देखो वारे न्यारे हैं, क्या सैलरी मिलती है, क्या प्राप्ति है, पता है ना। तो बाबा कहते फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती, हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है। अब खुद की कोई लौकिक जिम्मेवारी है तो वो भी निभाना है, देखना है, देखा जाता है निकल सकती है वह नहीं, अच्छे श्रूड बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर तो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, फिर तो क्या है, बाबा के बन जाओ। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस, हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे, बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है, मन में कितने झगड़े हैं ना, हर पल उलझा हुआ है, हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा, फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे उनसे बुद्धि योग लगाना है, वह हमारा मात पिता है, शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है, यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है, लिख देते हैं ना ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। अच्छा माता कहाँ है, माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे, तो फिर जगतम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगतम्बा को कैसे रचा, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है, रचता तो बाप ही है। देखो जो माता है वो बच्चा भी है, है ना, प्रजापिता ब्रह्मा वन्नी भी युगल भी और बच्चा भी है।
तो बाबा कहते हैं ये सब बातों का किसको पता नहीं है, तुम जानते हो समझते हो तो सबको समझाना है, रचता तो बाप ही है। अच्छा, मीठे मीठे से की लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, है ना, एकदम नया पॉइंट आज। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, जैसे मम्मा बाबा पढ़े वैसे पढ़ना है हमें माता पिता से, हमारा सर्वोत्तम टीचर, बेस्टेस्ट टीचर, फेवरेट टीचर। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है, ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बार हम क्या करते हैं, आत्माओं से किनारा कर लेते हैं। बाबा कहते हैं एडजस्ट करो, सहनशीलता के अवतार बनो। तो बाप दादा समझाते हैं कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है, फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। कोई कैसा भी हो, हमारे अंदर एडजस्ट करने की शक्ति है। इंसान कोई नहीं बदल दो, जगह ही नहीं बदल दो, खुद ही किनारा नहीं कर लो, खुद का स्वभाव संस्कार बदलो। सहन शक्ति को बढ़ाना है, एडजस्ट करना सीखना है। स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। परमार्थ, परम अर्थ, परमात्मा की श्रीमत अनुसार हम जो भी कर्म करेंगे उससे हमारा व्यवहार, माना लौकिक का हर कार्य भी सिद्ध होगा, सफल होगा। हमारा हर लौकिक कार्य अलौकिक तरीके से हो, पारलौकिक बाप ने जैसे सिखाया है वैसे हो, ये है योगियों का लक्षण। हर कार्य में सेवा समाई हो। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं, पहला देही का संबंध, इसमें ही अपार सुख है, सभी को आत्मिक रूप से देखना है, आत्मिक संबंध हो। दूसरा, खुदा हमारा माता पिता है, ये सदा याद रहे तो हिम्मत आ जाएगी। तीसरा, अनादि वर्ल्ड ड्रामा, तो ये तो अब समझना है, ये पॉइंट बुद्धि में बिठा लेना है, बेहद का ड्रामा है ये। चौथा, सहनशीलता का अवतार बनना है। और पांचवा, योगी का लक्षण बताया बाबा ने, परमार्थ से व्यवहार को सिद्ध करना है। तो श्रीमत अनुसार हम कर्म करें, सफलता निश्चित है। ओम शांति। है
चलो